हेलो दोस्तों, स्टडी 91 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप त्रिपाठी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, उसमें कुछ ऐसे पोर्शन होता है इस फर्स्ट पेपर में, जिसमें जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और जिससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं अक्सर, उसमें उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधे टॉपिक पर लेके चलता हूँ। आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस पर बने रहें और धैर्य रखें, आपका 25 दिन में कोर्स पूरा होगा और आप अधिकतम नंबर नेट के पेपर में पाएंगे। यदि आपका सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका खुद पे कमांड है, वो अच्छी है, तो ये मान के चलिए कि इस बार आपको JRF होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है, सबसे पहले क्या होता क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, क्योंकि ये यूनिट कौन सी है, ये यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। तो ये यूनिट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड की है। तो भाई टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, शिक्षण अभिवृद्धि। शिक्षण क्या है, यानी शिक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, शिक्षण होता क्या है। आपको एक बात पहले मैं ये समझा दूं कि शिक्षण क्या है, कि देखिए जो ये यूनिट है इसमें एक चीज क्या होता है कि कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ शब्दावली, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पेपर में, क्वेश्चन में, कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। अभी जो पढ़ाएंगे मैं इसमें आपको एक एक शब्द को ऐसे बताऊंगा ताकि आपको ध्यान में रहे कि वहाँ प्रश्न जो है वो घुमा के पूछता है, तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा ना हो। इसके लिए मैं आपको शुरुआत से एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, शिक्षण क्या होता है, क्या शिक्षण क्या होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षण का अर्थ देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि क्या होता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रक्रिया है तो तय हो गया, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति, अब ये कोई व्यक्ति कौन है इसको समझने के लिए मैं अभी बताता हूं आपको, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह, ठीक है, व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान, ठीक है, क्या मेन पॉइंट के ज्ञान, ठीक है, बातों का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है टीचिंग, टीचिंग जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है ये, ठीक, जिसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव लाना है। क्या है, समाज के उपयोगी, यानी अगर अब मैं इसको आपको अपनी जनरल भाषा में समझाया जाए तो क्या कहा जाएगा, जो शिक्षण है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति, अभी कोई व्यक्ति कौन था इसको हम जरा एक नैरो माइंडेड यानी कि संकुचित में लेते हैं तो क्या अर्थ होगा, यहां पर कोई व्यक्ति का मतलब ले लीजिए टीचर आपका, TEACHER, ठीक है, क्या टीचर, कोई व्यक्ति मतलब टीचर, दूसरा व्यक्ति मतलब स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या, स्टूडेंट, समूह का मतलब पूरी क्लास हो सकती है, ठीक है, ठीक, पूरी क्लास हो सकती है, समूह ग्रुप, ठीक है, समूह को कुछ बातों का ज्ञान, यानी जो टीचर होगा वो अपने सब्जेक्ट का ही ज्ञान देगा ना, तो कुछ बातों का ज्ञान माने यानी किसी एक विषय, मान लीजिए बात का यहां पर अर्थ है कोई विषय, मान लीजिए कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। टीचर क्या करता है, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप यानी क्लास को क्या करता है, किसी एक सब्जेक्ट का ज्ञान प्रदान करता है, ठीक। अब ये क्या है, ये ज्ञान क्यों प्रदान किया जाता है, या इसको बृहद अर्थ में लिया जाए तो समाज में कोई भी व्यक्ति जो बड़ा है वो किसी जो अपने से कम ज्ञानी है उसको ज्ञान देता है, उसको कुछ समझाता है, उसको समझाता क्यों है, क्यों, क्योंकि वो एक जो है समाज के उपयोगी बने, किस लिए बने, समाज के उपयोग के लायक बने। इसका एक छोटा एग्जाम्पल लेके इसको ये समझिए, मान लीजिए कि आप एक अनपढ़ व्यक्ति है कोई, या मान लीजिए कि आपने बचपन जन्म लिया, भाई हमने पढ़ाई की, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, आपने परास्नातक कर लिया। अब होता क्या है, परास्नातक किया तो आपने किसी ना एक निश्चित विषय में किया होगा, कुछ लोग होते हैं MBBS करते हैं, कुछ होते हैं जो विधि की पढ़ाई करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, तो वो करते क्या है, जो कानून की पढ़ाई करेगा वो कानून के क्षेत्र में क्या होगा, वकालत करेगा, तो वकालत करने का मतलब वो समाज के उपयोग के लायक एक एलिमेंट बन गया ना, एक तत्व बन गया ना, उपयोग के लायक बन गया,
तो इसका मतलब यहां पर जो बात समझ में आई आपको कि वो क्या हुआ, उसने पढ़ाई कि वो समाज के उपयोग के लायक बन गया। अब डॉक्टर है, डॉक्टर ने एमबीबीएस की पढ़ाई करी तो वो क्या करेगा, वो जो ज्ञान अर्जन किया है उसके आधार पे समाज को बढ़ाने में अपना क्या करता है, योगदान देता है। भाई वो इलाज करेगा तो क्या होगा, लोग ठीक होंगे, समाज क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, वो एक शिक्षक के द्वारा करेगा, ठीक है, टीचर के द्वारा। तो इसको अगर इस पूरी बात को अर्थ को समझा जाए तो यही है कि एक शिक्षक किसी छात्रों को या छात्रों के पूरे ग्रुप को जो है कुछ ज्ञान, किसी विषय का ज्ञान प्रदान करता है। और वह ज्ञान क्या होता है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। और वो किस लिए उपयोगी है, सिर्फ समाज को उपयोगी व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए। भाई समाज में व्यवहारिक बदलाव कैसे आएगा, ज्ञान से ही आएगा ना। उसने ज्ञान प्राप्त किया तो आगे क्या करेगा, वो समाज में उसके उपयोग करेगा अपने ज्ञान का, और उपयोग करके क्या करेगा, समाज को बदलेगा, बढ़ाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। अब क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, अभी तो मैंने एक अर्थ समझा दिया, अब इस अर्थ को दो तरीके से समझा जाता है। शिक्षा जो होती है वो दो अर्थों में समझने के लिए शिक्षण को समझ सकते हैं आप, कैसे, देखिए। एक तो क्या होता है, ये जो शिक्षण का अर्थ मैंने एक जनरली बात आपको अभी बता दी कि एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप को कोई एक सब्जेक्ट का ज्ञान दे रहा है, और वो ज्ञान जो है बच्चे जब पाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और उसको ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, फिर उस ज्ञान के आधार पर समाज में बदलाव लाते हैं और समाज के उपयोगी खुद बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं ना, वो समाज के एक तत्व है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति समाज का एक तत्व है। अब इसके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए तीन शब्द होते हैं, एक होता है विष्टि यानी व्यक्ति, क्या होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है। दूसरा होता है समष्टि, ठीक, समष्टि, ठीक है, ठीक। एक व्यक्ति होता है, एक समष्टि होता है, नहीं, समष्टि का अर्थ होता है, इसको अगर हम इस तरीके से ले लें, समष्टि का अर्थ होता है, सर यहां पे एक मान लीजिए व्यक्ति, व्यक्ति किससे जुड़ा होता है, तो व्यक्ति परिवार से जुड़ा होता है, ठीक है। अब परिवार किससे जुड़ा होता है, परिवार जुड़ा होता है समाज से या समुदाय से, ठीक है। अब ये समाज में क्या है, समाज किससे जुड़ा है, समाज की अगली ऊपर की इकाई क्या होगी, तो समाज की ऊपर की इकाई होगी देश, ठीक है, और देश के ऊपर की इकाई क्या होगी, विश्व। एक सामान्य चीज को समझ लीजिए, तो कोई व्यक्ति है अगर वो योग्य बन रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने परिवार में बदलाव लाएगा, परिवार को बढ़ा सकता है, और परिवार आकर ठीक होगा तो वो क्या करेगा, समाज को बढ़ाएगा, और जो समाज है जब ये ठीक होगा तो ये क्या होगा, देश की वृद्धि में सहयोग देगा, और जब देश, सारे देश विकसित होते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो विश्व को बढ़ाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया हुई ना, व्यक्ति समाज, व्यक्ति परिवार में, परिवार समाज में, और समाज देश, और फिर विश्व के लिए एक चैन बन गई, इकाई बन गई, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सोचेंगे तो व्यक्ति क्या है, ये जब योग्य बनेगा तो ये समाज में परिवर्तन लाएगा, किस में लाएगा, समाज में परिवर्तन लाएगा। तो अब यहां पर आगे समझाते हैं इसको, ठीक। अब ये देखिए जो अर्थ शिक्षण का वो मैंने आपको उधर बता दिया, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको कि एक टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, स्टूडेंट ने एमबीबीएस की पढ़ाई की, डॉक्टर बना तो लोगों का इलाज किया, वो समाज के उपयोगी एक तत्व बन गया, एक एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो अब वो क्या है, वो जो मैंने बात एग्जाम्पल दिया वो इस बात के लिए दिया। शिक्षण में क्या होता है, दो प्रकार के शिक्षण में, दो प्रकार के वो आते हैं, क्या नाम है इसको, दो प्रकार से समझिए, एक तो ये व्यापक अर्थ में और दूसरा इसको कहते हैं संकुचित अर्थ में, ठीक है, एक व्यापक अर्थ में, एक संकुचित अर्थ में। तो व्यापक अर्थ में क्या होता है, वैसे जनरली क्या कहा जाता है कि व्यक्ति की पहली गुरु कौन होती है, किसी भी बच्चे की पहली गुरु कौन होगी, उसकी माँ होती है, क्यों, वो सबसे पहले माँ से ही घर में सीखता है हर चीज, ठीक है, फिर किससे दिखता है, फिर दूसरे परिवार से, आसपास के लोगों से, फिर क्या होता है, फिर वो जब परिवार से बाहर निकलता है तो दोस्तों, छोटे छोटे दोस्त बनते हैं उनके, समाज में रहता है, तो परिवार के बाद किससे सीखता है, समाज से सीखता है, यानी कुछ ना कुछ सीख रहा है ना, लर्निंग प्रोसेस है, यानी दूसरे लोग जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो वो ग्रहण करेगा, शिक्षण चल रहा है, व्यक्ति समाज से भी सीखता है, और व्यक्ति, ये समाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, व्यक्ति अगर किसी कॉलेज में नहीं जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था में पढ़ने नहीं जाता है, तो क्या वो अनभिज्ञ रहता है किसी भी चीज से, नहीं, तो क्या होता है, वो समाज में कुछ ना कुछ सीखता है। कहते हैं आदमी पढ़ा नहीं है लेकिन कढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि आदमी समाज से ज्ञान प्राप्त किया है। तो यहां पर ये क्या लिखता है, व्यापक अर्थ में, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है,
क्या है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये, बहुत बड़ी, ये चलती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती शिक्षण की प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने समीप के, समीप मतलब अपने आसपास के, ठीक है, अपने आसपास के जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, ठीक है, वातावरण से के घटकों, घटकों मतलब जो तत्व आसपास है, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, पहला परिवार, दूसरा मित्र, तीसरा पड़ोसी, चौथा समाज, इन सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर चीज सीखता है आदमी, जीवन पर्यंत सीखता रहता है, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक क्या होता है, वो सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता है, तो इन सबसे कुछ ना कुछ सीखता है, और जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, कब से कब तक, जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक, ये क्या है, ये है शिक्षण का व्यापक अर्थ, मतलब इसके लिए वो कुछ, इसमें क्या है, माँ से सीखा, दोस्तों से सीखा, पड़ोसियों से कुछ सीखा, समाज में कुछ सीखा, कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना हम लोग, ठीक, तो जो ये हम लोग इन घटकों से सीखते हैं, परिवार, मित्र, पड़ोसी, इनसे सीखते हैं, वो क्या होता है, वो होता है ये जो शिक्षण का स्तर है, ये अर्थ है, ये व्यापक अर्थ में ये सीख रहा है, बहुत हमेशा सीखता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। दूसरा संकुचित अर्थ है, क्या है, शिक्षण का संकुचित, ठीक है, नैरो, छोटा, ठीक है, संकुचित अर्थ है, भाई कहते हैं ना, पढ़ाई शुरू हुई, आपने कक्षा 12 पास की, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद क्या करेंगे, पीएचडी कर लेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पीएचडी करके, तो शिक्षण एक समय बाद वो शिक्षा समाप्त हो जाएगी ना, तो ये कैसी शिक्षा हुई, ये संकुचित शिक्षा हुई, ये नैरो हुई, ये कम है, ठीक है। तो कहता है शिक्षण के संकुचित अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है, ठीक है, कौन सा शिक्षण, कौन सी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक किसी संस्थान का यहां पर अर्थ क्या है, कोई भी स्कूल, ठीक है, कोई भी कॉलेज, ठीक, कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ठीक, कुछ भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई संस्था, आईटीआई, कुछ भी चीज हो, जहां पर एक निश्चित समय के लिए जाता है, पढ़ाई करता है, ठीक है, और वहां से क्या होता है, पास होकर के निकल जाता है, वो उसने जो भी ज्ञान वहां प्राप्त किया वो एक संकुचित ज्ञान है, कुछ ही समय तो वहां रहा, वो प्राप्त हो गया, बस चला आया, तो ये क्या, कौन सा अर्थ हुआ, ये शिक्षण का संकुचित अर्थ हुआ। अब शिक्षण के दोनों अर्थ को आप भलीभांति समझ गए होंगे कि व्यापक अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ में, अभी मैं इसको आगे बताता हूं कि व्यापक अर्थ में क्या क्या चीजें और जुड़ जाती हैं और संकुचित अर्थ में और क्या क्या चीजें जुड़ जाती हैं। तो संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ, ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब शिक्षण के अर्थ को समझने के लिए यहां पर जो मैंने आपको बताया, ठीक, शिक्षण के दो अर्थों को समझा जा सकता है, इसको समझने क्या है, व्यापक अर्थ, अभी मैंने बताया ना उधर, तो व्यापक अर्थ को एक बार बहुत ठीक से समझना आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रश्न बन जाता है बहुत घुमा करके। तो देखिए, व्यापक अर्थ को अनौपचारिक कहते हैं, कौन सी शिक्षण कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं, ये औपचारिक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, क्यों, इसको कोई देता नहीं है, किसी से ग्रहण नहीं करते हैं तुरंत, ये चलते फिरने वाला ज्ञान है, चलते फिरते आ जाता है, ठीक है ना, छोटे में माँ बोलती है, जब आपने माँ बोलना सीखा, कैसे सीखा, किसी ने सिखाया कि माँ बोलना, नहीं ना, आप खुद से बोलना सीख गए, माँ, ठीक है, ये माँ है, ये पापा है, ठीक है, छोटा बच्चा होता है वो पानी को मम्मा बोल देता है, क्यों, उसको नहीं पता है ना, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है इसको पानी बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार की व्यवस्था, ये किस प्रकार का शिक्षण है, ये अनौपचारिक शिक्षण है, ये देना आवश्यक नहीं है, ये अपने आप आता रहता है, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षण भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यह क्या है, ये शिक्षण सामान्यतः व्यक्ति अपने समाज, परिवार, जो मैं पहले बता चुका हूं, मित्र, समुदाय, अर्थात अपने आसपास के वातावरण से, किससे, इसको समझना जरूरी है, कहां से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से, जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत बना रहता है, क्योंकि आदमी जब तक मर नहीं जाएगा तब तक समाज में रहेगा, और समाज में रहेगा तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, आता रहेगा उसको, कुछ ना कुछ नया सीखता है। आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समाज में रहकर कुछ ना कुछ नया नहीं सीखता, अपने आप सीखता रहता है, कहीं भी रहेंगे आप सीखेंगे, तो वो समाज में अपने आप सीखता रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। इस प्रकार की जो शिक्षा की, ये इस प्रकार की शिक्षा, ठीक है, इन उपरोक्त साधनों से, जो मैंने उपरोक्त देखा ना, व्यक्ति कैसे सीखता है, समाज, परिवार, मित्र, समुदाय, यानी आसपास के वातावरण से अर्जित करता है, ठीक, अर्जित करता है, प्राप्त करता है। आगे क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षण जो है, अनौपचारिक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अनौपचारिक शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो होता है व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना। कैसा,
व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ व्यक्ति का अर्थ व्यक्ति से मत लीजिए, व्यक्ति का अर्थ आप छात्र से भी ले सकते हैं, लेकिन वो छात्र क्या है, वो भी एक व्यक्ति ही है, इसलिए छात्र लीजिए। अध्येता शब्द इस्तेमाल हो जाता है, लर्नर, ये कुछ भी शब्द हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना, व्यक्ति, छात्र, लर्नर, ठीक, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, कुछ भी उपयोग में है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही है, इसमें बहुत अंतर नहीं है कोई, आप इसको समझेंगे दो, ठीक है। तो सर्वांगीण उन्नति समाज में करता है, ठीक। अब ये समाज में विकास के विकास क्या करता है कि अनौपचारिक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण उन्नति करना, व्यक्ति जो है सर्वांगीण उन्नति करे, इसके लिए समाज में उसको चीजें अपने आप सिखाई जाती हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब आते हैं संकुचित अर्थ पे, ये संकुचित अर्थ क्या है, अब ये संकुचित अर्थ को समझिए। संकुचित अर्थ मैंने आपको उधर बता दिया ना, बिल्कुल संकुचित माने नैरो, यानी कि क्या, संकुचित शिक्षण सामान्यता कक्षा और पाठ्यक्रम, कैसे, कक्षा और पाठ्यक्रम। अब मैंने बताया ना, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसमें हम पढ़ते हैं, यानी छात्र पढ़ता है, ठीक है, वो क्या होता है, कक्षा पाठ्यक्रम, वो संकुचित अर्थ हो जाता है। अब संकुचित अर्थ का मतलब आप समझ गए होंगे, संकुचित शिक्षण सामान्यता कक्षा और पाठ्यक्रम, अभी क्या कक्षा और पाठ्यक्रम में ही होता है, इसके बाद आप स्कूल पास कर लीजिए, संकुचित शिक्षण है, ये खत्म हो जाएगा। क्यों, संकुचित शिक्षण जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, किसके लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है, ठीक, ये समझ, जिस दिन ये पूरा हो जाता है आप छोड़ देते हैं, खत्म, ठीक, ये निश्चित समय के लिए होता है, और ये औपचारिक शिक्षा है। आज के समय में ये कैसी शिक्षा हो गई है, ये औपचारिक शिक्षा हो गई। अब होता क्या है कि औपचारिक इसलिए कहते हैं कि आजकल कहते हैं ना कि पढ़ना बहुत जरूरी है, अब कक्षा बच्चा जो है 4 साल का हुआ 5 साल का हुआ पहली क्लास में एडमिशन करा दीजिए, ठीक है, 10 साल का हुआ तो 5वीं क्लास में आ जाएगा, क्लास पढ़ते रहेंगे, पास करते रहेंगे, यानी धीरे धीरे ज्ञान आता रहेगा, छोटी कक्षा में होंगे ABC पढ़ना शुरू किया आपने, उससे बड़े हुए तो फिर गणित के सवाल लगाए आपने, और बड़े हुए तो और आगे पढ़ने लगे, धीरे धीरे बदलता रहता है और अधिकतम ज्ञान अर्जन करते हैं, और जब हम लोग अंतिम तक ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, यानी संकुचित की बात कर रहा हूँ, संकुचित में अधिकतम ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, तो हम वो संस्था छोड़ देते हैं और हम वहाँ से निकल जाते हैं समाज में उपयोगी बन करके, ठीक है। तो अब क्या है, ये निश्चित समय के लिए, सबसे जरूरी बात क्या है, संकुचित अर्थ क्या है शिक्षण का, ये निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। अब औपचारिक, इसको ही औपचारिक कहते हैं क्योंकि पता है कि आज हर व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना। अब आप जब कॉलेज में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई भी व्यक्ति है उसने MBBS में एडमिशन लिया, तो वो क्या करेगा, वो विशिष्ट विषय में एडमिशन लिया उसने, इसका मतलब कि वो अब क्या करेगा, आगे चल के मनुष्य में जो व्यक्ति बीमार पड़ेंगे उनके रोगों का निदान करेगा। किसी ने LLB में एडमिशन लिया तो क्या करेगा, वो आगे चल करके वकालत के क्षेत्र में काम करेगा। कर तो बहुत सारे रास्ते सकता है, पर अगर कोई LLB कर रहा है तो लोगों के दिमाग में एक मानसिकता बैठ जाती है कि भाई ये वकालत करेगा, ठीक है। कोई BEd कर रहा है, MEd कर रहा है, तो क्या दिमाग में आ जाता है कि ये क्या करेगा, ये शिक्षक का काम करेगा, आगे शिक्षक बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या है, विशिष्ट विषयों का ज्ञान। तो हम जब पढ़ेंगे तो चिकित्सा के लिए पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं तो है? समाज में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब वकालत के क्षेत्र में जाएंगे, विशिष्ट ज्ञान अर्जन कर रहे हैं हम, वो विशिष्ट ज्ञान इसी प्रकार से होता है। तो संकुचित अर्थ में जब हम पढ़ते हैं तो विशिष्ट ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, जिसका मूल्यांकन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मूल्यांकन होता है, ठीक है, तथा उपाधि और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। होता क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रेजुएशन करके आप पास हो जाएंगे तो कहलाएगा कि हाँ भाई, जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया तो उसको मार्कशीट मिलती है, उसको डिग्री मिलती है। किसी व्यक्ति ने PhD कर ली तो क्या कहलाएगा, भाई ये आज से डॉक्टर साहब हो गए, क्या हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, ठीक, डॉक्टर साहब लगा दिया तो ये उपाधि हो गई, डॉक्टरेट पा गए और उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है। तो ये वही कह रहा है कि उपाधि और प्रमाण पत्र। तो संकुचित अर्थ में क्या होगा, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया होगा ना, तभी PhD की होगी उसने, वो PhD के तो डॉक्टर साहब बन गए, डॉक्टरेट की उपाधि लग गई उनकी और उनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, पास कर लिया ना, डॉक्टरेट है, ठीक। इसके बाद क्या है, सामान्यता शिक्षण संस्थानों में ही होता है। ये कहाँ होता है, सामान्यता शिक्षण संस्थान, बता चुका मैं, स्कूल में होता है, कॉलेजों में होता है, हर जगह जहाँ भी आप एडमिशन लेंगे पढ़ेंगे, ठीक, वहाँ ये होता ही होता है। एक और चीज़, ये निश्चित समय के लिए होता है, इसके लिए कुछ फीस भी देनी पड़ती है कई बार,
ठीक है, कुछ फी आपको देनी पड़ती है, ठीक। इसके लिए कुछ फी आप पेड करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे तो फीस तो देंगे ही, तो उसके लिए आपको कुछ फीस भी देनी पड़ती है, वो फॉर्म भरने में हो, इंस्टीट्यूशन की फीस हो, कुछ ना कुछ आपको देनी पड़ती है। तो इसके लिए निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित उसके एक मानक होता है कि आपको फीस देनी है। तो ये संकुचित अर्थ में ये सब चीजें आ जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संकुचित अर्थ क्या होता है, ठीक है, शिक्षण का संकुचित अर्थ। अब आगे चलते हैं, एक और बात है कि वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक क्या है। अब मैं आपको थोड़ी चीजें समझा देता हूं कि आज की स्थिति क्या हो गई है समाज की, कि समाज में आज के वर्तमान स्थिति में ये बन गया है कि आज बड़ी भागम भाग की जिंदगी चल रही है लोगों की। तो उसमें क्या है, पारिवारिक स्थिति ऐसी है, समाज की स्थिति ऐसी कि समाज का भी कोई व्यक्ति, जैसे गांव में पुराने लोग थे, बूढ़े पुराने दादाजी लोग थे या उनके मित्र थे, वो लोग गांव में बैठते थे, उनके साथ कुछ बैठी तो कुछ ज्ञान की बातें मिलती थी, ठीक है। या आज भी, अब तो कम होने लगा, पहले कथाएं वगैरह गांव में ज्यादा होती थी, तो एक संत महात्मा आ गए, उन्होंने पंडाल लगाया, उसमें वो बैठे और उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें बताई। अब ठीक है, वो आजकल जो है आर्थिक स्थिति में आ गया है, वो बदल गया पैटर्न, लेकिन है तो उसी तरीके का। तो व्यक्ति अब आज बिजी लाइफ है इतनी, तो परिवार में कोई है ही नहीं है जिससे बात कर ले जाए, क्यों, नैरो फैमिली हो गई, परिवार छोटा हो गया है, पति पत्नी होते हैं, दो बच्चे हो जाते हैं, एक बच्चा होगा, दो बच्चे होंगे, अब वो किससे बात करने, दादा दादी भी साथ नहीं रहते हैं, कोई है नहीं, तो ज्ञान नहीं मिलता परिवार में, ठीक है। सामाजिक स्थिति भी ऐसी होती जा रही है कि लोग बिजी हैं, किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, तो सामाजिक स्थिति ये है। आज आदमी आर्थिक स्थिति के लिए जूझ रहा है, इसलिए किसी से समय नहीं है, बात नहीं कर सकता है, ज्यादा बातें करेगा तो समय नहीं है, आगे के काम छूट जाएंगे। तो इन सब कारणों की वजह से आज क्या हो गया है, आर्थिक परिवर्तनों, इन सबके कारण की वजह से जो है औपचारिक शिक्षा क्या बनती जा रही है, औपचारिक बनती जा रही है। ये अब जो है किस प्रकार की शिक्षा बनती जा रही है, औपचारिक, मतलब अब कोई भी बच्चा होगा तीन चार साल का हुआ, उसको एडमिशन दिला दीजिए कक्षा एक में, धीरे धीरे पढ़ता रहेगा, आगे इंटर कर लेगा, फिर जो इच्छा होगा वो बनेगा, वो किसी भी क्षेत्र में एडमिशन ले, वो IAS बने, वो MBBS करे, वो लॉ करे, वो PhD करे, किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन वो क्या होगा, औपचारिक शिक्षा से ही जा सकता है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। तो ये संकुचित अर्थों में आप समझ गए कि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण से औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी बनती जा रही है, ये तो आप लेनी ही पड़ती है। पुराने समय में कम लोग पढ़े लिखे होते थे, आज ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि अब ये आवश्यक हो गया है कि नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि ये शिक्षण की विषय वस्तु क्या होती है। शिक्षण की विषय वस्तु जो है, इसको आप ये बात समझ लीजिए, ये बात यहाँ खत्म होती है शिक्षण के अर्थ की। अब शिक्षण की विषय वस्तु ऐसी है, शिक्षण की संकुचित और व्यापक दोनों को मिला करके ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई भी विद्वान आज तक शिक्षण की परिभाषा को पूर्णतः नहीं दे पाया है। पूर्णतः जो ऐसी परिभाषा जो 100% फिट बैठ जाए, नहीं है, कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है। तो क्यों, बहुत सारे विद्वानों ने व्यापक कारणों की वजह से सार्वभौमिक यूनिवर्सल परिभाषा नहीं दे पाया है। अब कोई ऐसी परिभाषा अभी तक बन नहीं पाई है कि ये जो है एक परिभाषा हम बोल दें, उसमें शिक्षण के सारे तत्व आ जाए, सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है, एक भी परिभाषा ऐसी नहीं है। लेकिन विद्वानों ने समय समय पर जो परिभाषा दी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये परिभाषाएं आगे आएंगी, पर इसके रिलेटेड बात आती रहती है, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्या है, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया को, ठीक है। अब ये वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया है क्या, ये वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया जो है इसके बारे में देखते हैं, इसने क्या कहा है। तो वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया ने कहा है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, मैंने बताया ना शिक्षण क्या है, पढ़ाना क्या है, एक प्रक्रिया है ना, टीचर स्टूडेंट को कुछ पढ़ा रहा है, प्रक्रिया है ये। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, वही बात हुआ, एक व्यक्ति माने टीचर, ठीक है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कौशल, ठीक है, अभिरुचियों को सीखने तथा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, उसको जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करने के कराने के लिए उसकी मदद करता है। टीचर क्या करता है, टीचर आया, पढ़ाया, आपको जो समस्या समझ में नहीं है, मतलब समस्या आई, उन्होंने आपने शिक्षक से पूछा, शिक्षक ने उसका जवाब दिया, शिक्षक ने आपकी मदद करी, आपके ज्ञान को बढ़ाया। तो ये इंसाइक्लोपीडिया ने इसको कहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो नॉलेज है, जो उसकी स्किल है, जो, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या है, बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए उसकी मदद करता है। दूसरी परिभाषा कहते हैं मॉरिसन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मॉरिसन कहते हैं
ये नाम थोड़े से ध्यान में रखिएगा, कई बार परिभाषा को इस तरीके दे देता है कि नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो मॉरिसन क्या कहते हैं, शिक्षण एक ऐसी अनुशासित, कहती अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी, किसे अपने से कम, ये ध्यान में रखिएगा, टीचर ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, स्टूडेंट कम होता तभी तो पढ़ रहा है, इसलिए अब शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों को, लोग बने अध्येता छात्र स्टूडेंट, ठीक है, लोगों को के व्यवहार को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है मतलब उसको प्रभावित करता है, उसके ज्ञान को बदलाव करता है, बढ़ाता है, यहाँ प्रभावित कर दिए, ठीक है, इफेक्ट करता है उसको, जब प्रभावी करेगा तभी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, अपने ज्ञान को अनुभवी लोगों को व्यापार को क्या करता है, प्रभावित करता है, और उन्हें वही बात, शिक्षण का जो बेसिक उद्देश्य क्या है, समाजोपयोगी बनाने में सहायक होता है, ठीक है, ये मॉरिसन की परिभाषा है। आगे चलते हैं, अब ये गेज हैं, ये भी एक विद्वान है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी वही बात कही है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्या कह रहे हैं गेज, गेज कहते हैं शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, ठीक है। अब ये जो इनकी परिभाषा, ये किसकी है, ये व्यापक अर्थ की परिभाषा है, पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। अपेक्षित परिवर्तन का मतलब, अपेक्षित मतलब जरूरी परिवर्तन लाना, कौन सा परिवर्तन जरूरी है, वो समाज के उपयोगी बने, ये परिवर्तन जरूरी है। तो ये क्या कहते हैं कि पारस्परिक प्रभाव, यानी आप इसको व्यापक अर्थ में ले लीजिए, पारस्परिक प्रभाव आपका किसका होता है, जिसके ज्यादा परमानेंट बने हों, जुड़े हों, परिवार हो सकता है, मित्र हो सकता है, सबसे ज्यादा आदमी का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव परिवार का नहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों का पड़ता है, क्यों, समाज, आप दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ आप ज्यादा समय और सभी प्रकार की बातचीत कर लेते हैं, परिवार में थोड़ी कम होती है, परिवार में हर प्रकार की बात नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादातर ज्ञान कहां से होता है, दोस्तों से ही मिलता है, ठीक है, तो पारस्परिक प्रभाव होता है। तो ये बात समझ में आ गई, ये व्यापक अर्थ की परिभाषा इन्होंने दी है, अब इस परिभाषा से पूर्ण हो रहा है क्या, कि संकुचित परिभाषा नहीं दे रहा है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं बूबेकर्स, क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब ये क्या, ये संकुचित अर्थ में, ये कैसी परिभाषा थी, ये व्यापक थी, ठीक है, व्यापक अर्थ में थी, ये क्या है, ये फिर संकुचित में आ गई, ठीक, ये संकुचित में आ गई, फिर से शिक्षण में छात्र आ गया, शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं, निर्वहन करते हैं माने मुख्य भूमिका में रहते हैं, शिक्षक शिक्षण योग्य परिस्थितियां बनाता है, क्या करता है, शिक्षण योग्य परिस्थितियां बनाता है, वो इस तरीके का पाठ्यक्रम क्या चर्चा करता है, पाठ्य पुस्तक की चर्चा करता है, आपको विषय के बारे में बताता है, फिर उससे रिलेटेड उसके जो ज्ञान है, जो फैक्ट्स हैं, अवधारणाएं, परिभाषाएं, सब चीज समझाने की कोशिश करता है ना, तो क्लास का माहौल इस तरीके का बनता है कि पढ़ाई हो। तो ये संकुचित परिभाषा हो गई बेकर्स के अनुसार। अब ये है एडमंड एडमिडॉन, ठीक है, एडमिडॉन से ये क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए, ये दो परिभाषा हो गई, ये व्यापक अर्थ में हो गई, ये संकुचित अर्थ में हो गई। अब ये परिभाषा क्या है, शिक्षण एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। अब ये कौन से अर्थ में परिभाषा है, ये फिर संकुचित अर्थ में परिभाषा है, कौन सी परिभाषा है, ये भी संकुचित अर्थ में है, ठीक है, होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। किस प्रकार होती है, टीचर और छात्र के बीच में कुछ ऐसी परिभाषाओं के माध्यम से घटित होती है। तो ये अंतिम बात को, ये अंतिम परिभाषा मानिए, इसमें जो है ये भी क्या है, ये भी संकुचित अर्थ में है, और इसमें भी क्या कहता है, यहाँ पे भी वही रिलेशन बताया गया है टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन है, ये टीचर पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ेगा, ये छात्र पढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके परिभाषाएं, ठीक, अब आगे चलते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि परिभाषाओं से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों क्या था कि ये परिभाषाएं जो हम लोगों ने देखी, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर क्या था, अब अंतिम बात, इनका पूरा निचोड़ जो है, पांचों जो लगभग थी, इनका निचोड़ क्या है, तो इनका निचोड़ है कि उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसा त्रिध्रुवीय पराक्रम है जिसके द्वारा छात्रों को समाजोपयोगी व्यवहारिक परिवर्तन लाया जाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ना कि समाजोपयोगी यानी समाज के उपयोग के लायक तत्व बनाना, एलिमेंट बनाना, शिक्षा का क्या है, शिक्षण का मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, समाजोपयोगी व्यवहारिक परिवर्तन लाना। भाई
समाजोपयोगी व्यवहारिक परिवर्तन कैसे आएगा, तो उसके उसके लिए बनाना। तो सारी परिभाषाओं के आधार पर मैंने जो बताया आपको, कुछ परिभाषाएं संकुचित स्तर में थी और कुछ परिभाषाएं क्या थी, वो थी क्या व्यापक स्तर में थी। तो व्यापक स्तर की परिभाषाओं को ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए सिर्फ संकुचित स्तर की परिभाषाओं को समझिए। वैसे तो उन दोनों ही परिभाषाओं, दोनों ही जो शिक्षण की अर्थ हैं, चाहे व्यापक हो या संकुचित हो, दोनों ही क्या है, समाज उपयोगी बनाना मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है यहाँ पर एक शब्द आया है त्रिध्रुवीय पराक्रम। ठीक है, तो ये जो त्रिध्रुवीय पराक्रम है, ये ध्रुव क्या होते हैं, ये जो ध्रुव है ये क्या होते हैं, इसके लिए हम लोग जो है अभी इसके अगले लेक्चर में देखेंगे। यहीं से हम लोग देखेंगे कि ध्रुव क्या होते हैं, उनके चर क्या होते हैं, ध्रुव को लोग चर कहते हैं, चर क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए कि जो ये जो शिक्षण अभिवृद्धि है और जो शोध अभिवृद्धि है, ये दोनों जो है ये थोड़े से कठिन हैं, और इसमें इसको क्योंकि डीपली समझाने के लिए, एक एक शब्द को समझाने के लिए हम लोगों को समय लग रहा है, लेकिन इसके बाद की किसी भी यूनिट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए आप लोग जरा इस यूनिट के लिए थोड़ा सा गौर करिएगा कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बाकी यूनिटों में समय नहीं लगेगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग ध्रुवीय, ध्रुव और चरों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।